Good morning. Haber? Good morning, good morning. क्या किया था हमने लास्ट? सर बता रहे थे। लास्ट क्या किया था हम लोगों ने? सर एडवर्बियल क्लॉज पढ़ाए थे। खत्म हो गया था। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट तक पढ़ाए थे। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। अच्छा वो लास्ट टाइम मैंने वो टेस्ट दिया था, आप लोगों ने कर लिया सबने? क्या बोले सर? लास्ट टाइम मैंने एक टेस्ट भेजा था, वो कर लिया था आप सबने? यस सर, यस सर, समझ में आया था? यस सर। चलिए, वही आपका पेपर्स में आपके वैसे ही आते हैं। आज बच्चे कम क्यों आए हैं? कोई पेपर है क्या? नो सर, सिर्फ मधुपुर है, ऊपर से भैया लोग थोड़ा लेट से आ रहे हैं। भैया लोग थोड़ा लेट से आते हैं? नहीं आते नहीं है, मतलब अभी दो तीन बाकी है बस, बाकी सब आ गए हैं। अच्छा, देखिए आए क्या कोई भैया? हाँ मामा, एक भैया। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल? किसका किसका? 1 मार्च को ये एडमिट कार्ड आ गया आप लोग का? आया है एडमिट कार्ड जिन लोगों ने फॉर्म भरा था? हाँ सर, जिन लोगों ने भरा उनका आया है। कब है आप लोग का पेपर? क्या डेट दिया है? 5 और 7। अच्छा, 5 और 7। यस सर। तैयारी हो रही है? सर मेरा नहीं ठीक से माइक पकड़ो, सर। आवाज नहीं आ रही। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये एक नया कौन अभी आए? अच्छा, नो सर, पहले से हम आए। पहले आ गए थे? हाँ कितने साल हुए? अच्छा, 22। 22 साल हो गए। चलिए, आप लोग टेस्ट कर पा रहे थे? पेपर्स में आप लोग के वैसे ही आएंगे जैसा भेजा था मैंने, है यस सर। ना? हम लोग उनको अभी लगातार 3 दिन मेरी ही क्लास है, ठीक है? आज भी, कल भी, परसों भी। तो यस सर, हम लोग उन क्वेश्चंस को परसों देखेंगे, यस ठीक है? सर, क्योंकि आप यस बच्चों सर। का, मेरे ख्याल से कुछ लोगों का वो है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं नरेशन और क्वेश्चन टैग्स करा दूं ताकि आप लोग फाइनली अपना सारा, क्योंकि नरेशन बहुत ज्यादा नंबर का था, ठीक है ना? तो अभी यस सर, बातचीत नहीं करेंगे हम लोग 2 दिन तक, मेरे को कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? क्या क्या बचा था? एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। डाली टॉपिक एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। हो गया था एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। कर लिए थे? अभी यस सर। तो कोई बोली कि बचा हुआ एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कौन सा बचा हुआ है वो बता दीजिए, मैं वो करा दूंगा। लिखवाया था ना मैंने 8, याद है कि भूल गए? कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, ये सब करा दिया था? प्लेस, पर्पस। नहीं सर, एडवर्ब ऑफ खाली कंट्रास्ट हुआ था, कंसेशन हुआ था, बट ये समझा नहीं पाए थे सर, उस दिन टाइम खत्म हो गया था। बस अभी तक 2 ही किए हमने, इसमें प्लेस, मैनर, ये सब नहीं किए हमने? हाँ मैनर हो गया, रीजन हो गया है। एक एक करके चेक कराओ क्या क्या हुआ है। अच्छा, बातें नहीं करना, एडवर्ब ठीक है? ऑफ क्लॉज ऑफ टाइम, हाँ, टाइम हो गया, बोलते रहो, फटाफट बोलो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया है, एडवर्ब हाँ, क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गया है, कंपैरिजन, कंपैरिजन। हाँ, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट हो गया सर। तो रिजल्ट नहीं हुआ अभी, रिजल्ट नहीं हुआ, और एक और कंट्रास्ट वाला उस दिन समझाया नहीं थे सर, और पर्पस वगैरह भी नहीं हुआ है। कंट्रास्ट लिखवा दिया था आप सबको? हाँ, हाँ सर, हाँ सर, कॉन्ट्रास्ट जो शब्द है ना,
कंट्रास्ट का मतलब है कि जो होना चाहिए, जो सेम पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न आगे जाके फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। कंट्रास्ट का मतलब है समथिंग वेरी डिफरेंट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड या व्हाट हैज बीन सेड। कंट्रास्ट एज अ वर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है, अपने जो भी चीज बोला गया उसके विपरीत, ठीक है। तो जब भी हम एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज करेंगे तो उसमें यूज करेंगे एडवर्ब्स का, लेकिन किस फॉर्म में करेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में करेंगे। तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए होंगे जिसमें वॉट एवर, ऑल दो, हाउ एवर, ये सब लिखवाया था, ठीक है ना। सो उनके थ्रू हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल है, जिक्रा नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। अच्छा, अब आप देखिए, जेन्युइनली अगर देखा जाए तो रिच इज अ साइन ऑफ बीइंग हैप्पी, ठीक है, बिकॉज यू कैन बाय ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज कि वी शुड हैव रिटन जिक्रा इज रिच एंड शी इज हैप्पी, ठीक है, वो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होता। बट हमने लिखा क्या है, दो जिक्रा इज रिच, शी इज अनहैप्पी, पैसा है लेकिन फिर भी खुश नहीं है, ठीक है। सो नॉर्मली रिच इज अ साइन ऑफ बीइंग हैप्पी, सो ये दो शब्द अपने आप को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि ये होने के बाद भी ये पोजीशन रहा। तो उस चीज को हम जस्टिफाई कर रहे हैं दो से, ठीक है, कि पैसा होने के बाद फिर भी, ठीक है, वो खुश नहीं है या तब भी वह खुश नहीं है, ठीक है। दूसरा ले लो, इवन इट इज कोल्ड, इवन इट इज कोल्ड, I shall go. Now, यहां पे cold सिर्फ ठंड के लिए नहीं गया है, even जब भी लग जाता है ना तो it is non-responsive हो जाता है। Non-responsive का मेरा मतलब है आप cope नहीं कर पाते हो, इतनी ठंड होती है। So somebody who is not, who is being asked not to travel in cold, even then he is traveling. वो कह रहा है कि आई शैल लीव। सो अगेन यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि इतनी ठंड हो रही है क्यों बाहर जा रहे हो, कह रहे नहीं ठंड हो रही है फिर भी मैं बाहर जाऊंगा। सो दिस, यहाँ पे ये इवन जो है ये इसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देर आर एम्पल एग्जाम्पल, एम्पल एग्जाम्पल ऑन दैट, नो मैटर वॉट यू से, ठीक है, द बॉय लिसन्स टू मी। अब कहने का मतलब है कि नो मैटर आप उसको कुछ भी कह दो वो सिर्फ मेरी सुनेगा, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। सो जब हम कभी भी दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं इन शब्दों के साथ जो हमें दो बहुत डिफरेंट मीनिंग देती हैं, लेकिन दो बहुत डिफरेंट मीनिंग देना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेंसी होता है ना पहले वाले सेंटेंस के साथ वो उसी के फॉर्मेट पे, उसी के पैरेलल चलना होता है, बट वैसा वो चलता नहीं है, ठीक है, कि ही इज वेरी रिच। और तो अब रिच है तो वी कैन फील कि हाँ कार होगा, अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो हमें ये लगता है कि अच्छा करेगा, ठीक है। लेकिन इवन दो ही इज वेरी इंटेलिजेंट ही कुड नॉट परफॉर्म, अब इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो परफॉर्म नहीं किया, या टैलेंटेड तो परफॉर्म नहीं किया। सो वो दो चीज कॉन्ट्रास्ट कर रहा है दोनों सेंटेंस, और वो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस हम इन एडवर्ब्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कोई डाउट? पर्पस लिखा है तुम लोगों ने? नो सर। पर्पस समझा दिया है? नहीं, नहीं लिखा है तो लिख लो, अभी तो एक एक घंटे में तुम लोग बोलते हो, फटाफट लिखो। नहीं लिखा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ब क्लॉज of purpose
is introduced by the conjunctions the conjunctions single inverted commas laga ke that comma so that in order that so that in order that lest inverted commas close ठीक है ना ये लगता है पर्पस हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्यों चाहिए वो ये बताता है ठीक है ना अभी कोई सेंटेंस बनाओ कोई भी सेंटेंस बनाओ इनको लगाकर ये छोड़ देना लेस्ट बाकी दैट पे बनाओ कोई सेंटेंस अब ये दैट तुम्हें पर्पस शो करना चाहिए बनाओ फटाफट जल्दी लिखो I am happy that you are successful. क्या? I am happy that you are successful. ठीक है थैंक यू सर दूसरा बनाइए सो दैट से बनेगा कोई इधर देखिए लेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे एक लिस्ट का मतलब होता है इन ऑर्डर दैट एक लिस्ट का मतलब होता है इन केस मतलब इसके बहुत सारे अलग अलग जगह जहां यूज हो रहे हैं अलग अलग मीनिंग से यूज होते हैं ठीक है एक मीनिंग होता है इन फियर ऑफ ठीक है तो बहुत फेमस सेंटेंस है ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा Work hard lest you should fail. तो यहां पे इन तीनों में से किस चीज का फॉर्म दिखा रहा है आपको लेस्ट का मीनिंग यहां पे इन किस चीज का फॉर्म दिखा रहा है कॉन्ट्रास्टिंग लेकिन यहां पे किस चीज का मीनिंग दिखा रहा है आपको वर्क हार्ड क्यों कर रहे हैं फेल होने के लिए तो यहां पे इन फियर ऑफ बीइंग अ फेलियर तो उस सेंस में आपको यहां पे ये यूज हो रहा है बट ये तीनों फॉर्म में यूज हो सकता है ठीक है ना एक और एग्जांपल लिख दीजिए सनोवर केम इन ऑर्डर that she might borrow money ठीक है ना अभी बताइए क्या बचता है आपका इनके अलावा इसमें कुछ और बचता है आप लोग का नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा इसके साथ कुछ और बचा एडवर्ब क्लॉज में किसी का यस सर रिजल्ट एडवर्ब रिजल्ट
इसके अलावा कुछ और बचा? सर एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो तुम लोग एक बार में क्यों नहीं बोलते हो? हाँ बोले रिजल्ट और कंडीशन। रिजल्ट लिखो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय, इज एक्सप्रेस्ड बाय, इज एक्सप्रेस्ड बाय दैट, इज एक्सप्रेस्ड बाय दैट। दैट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में करो। In the adverb clause, in the adverb clause, in the adverb clause, preceded by, so, comma, such, in the main clause, preceded by so, comma such in the main clause, in the main clause. अभी एक example लिखो। Shruti was so late that, Shruti was so late that she had to miss, Shruti was so late that she had to miss the dinner, she had to miss the dinner. अब देखो कि क्या main clause में इन सेंटेंस का यूज हुआ है। अब जहां main clause लिखा मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस हैं पहली बात तो, और दो सेंटेंस के साथ दो क्लॉज है, क्योंकि अगर एक इंडिपेंडेंट है, मेन है, तो दूसरा डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज में आपने मतलब मेन क्लॉज में आपने इनका प्रयोग किया है, ठीक है? तो आप वो सारा चीज मैच कीजिए, देखिए वो आ रहा है। अब इसमें मेन क्लॉज क्या है? ही वॉज सो लेट दैट, सॉरी, श्रुति वॉज सो लेट दैट शी हैड टू मिस हर, क्या है, एग्जाम। तो इसमें आपका मेन क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज क्या है इसमें आपका? श्रुति वाज सो लेट। हाँ, श्रुति वाज सो लेट, ठीक है, उसी में हमने सो का यूज किया है। एक और एग्जाम्पल लिखिए। साइमा is such an intelligent girl that, Saima is such an intelligent girl that she can easily clear the exam. Saima is such an intelligent girl that she can easily clear the exam. अब आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन को जब आप पढ़ते हैं तो आप दो डिफरेंट वर्ड्स, नॉर्मल कंडीशन शब्द को जब आप पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट मीनिंग इसका आता है वो तो है हालत, ठीक है, पोजीशन, ठीक है। दूसरा हम इसको शर्त की तरह भी पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरा हम इसको शर्त की तरह भी पढ़ते हैं। सो आपको ये ध्यान में देना है कि आप इसका यूसेज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बिना उसके ये बनेगा नहीं। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले
कंडीशन में ये चार्ट बनाइए, ठीक है ना? यहां पे पहले लिखिए कंडीशन, उसके बाद यहां लिखिए कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, और यहां लिखिए प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा प्रेजेंट लाइकली कंडीशन, प्रेजेंट लाइकली कंडीशन, उसके आगे कंडीशनल क्लॉज में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और यहां प्रिंसिपल क्लॉज में हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसी का जस्ट ऑपोजिट जो होगा सेकेंड प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन, प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन, ठीक है ना? इसकी जगह आप अनलाइकली मतलब रिग्रेट, बुरा लगना खुद के लिए कि गलत किया, विश, ठीक है ना? इसके आगे लिखिए सब जंक्टिव, सब जंक्टिव मूड। इसके आगे हम प्रयोग करते हैं शुड या वुड का, ठीक है? ये लिखने के बाद मैं तीसरा ऊपर लिख दे रहा हूं, नीचे देखने में दिक्कत होगी। लिखिएगा पास्ट कंडीशन, पास्ट कंडीशन में हम कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है? और पास्ट परफेक्ट में आपने मोडल्स पढ़े हैं सारे, वुड, शुड, कुड, माइट एक्सेट्रा, ये सबका यूज करते हैं, ठीक है ना? लिख लीजिए सब लोग, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ नहीं सर? लिखो फटाफट। ये देवघर में बाकी दोनों नहीं आए? इधर क्या लाइट वाइट का सिस्टम कुछ खराब हो रखा है? बाहर गया हो सर। क्या गया हुआ है बाहर? हाँ बाहर, देवघर में नहीं है सर। अच्छा, वो लोग देवघर में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए लिख लिया इन लोगों ने। हाँ बोलो। सब्जेक्टिव मूड क्या होता है सर? अरे वही बताने के लिए अभी उठाऊं। लिखिए सब्जेक्टिव मूड, डिफाइन, नोट करके सब्जेक्टिव मूड डालिए।
लिखिए, अ वर्ब इन द सब्जंक्टिव मूड, अ वर्ब इन द सब्जंक्टिव मूड व्हेन इट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन, व्हेन इट एक्सप्रेसेस अ वर्ब इन द सब्जंक्टिव मूड व्हेन इट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन विच इज डाउटफुल, which is doubtful or not, which is doubtful or not factual, which is either doubtful or not factual, मतलब वो real नहीं है. अब इसी को मैं और better तरीके से explain करूँगा, ठीक है? देखिए, it is used to explore the hypothetical मतलब जो real नहीं हो, आप उसको मान लेते हैं. hypothetical situation to express a wish comma a demand comma desire or a suggestion etc. to express a wish comma a demand desire suggestion etc. अगर hypothetical उसका मीनिंग क्या बोले थे सर? मान लेना, मतलब जो रियल नहीं हो, नॉन फैक्चुअल. पर लिखा है ना नॉन फैक्चुअल, ठीक है ना, नॉन फैक्चुअल. जैसे इफ आई वर यू, अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप हो तो नहीं, तो मान लेते हैं हम इफ आई, अगर मैं तुम होता, तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है ना. तो हम उन्हें सब्जंक्टिव मूड बोलते हैं. अब इसको किसी भी फॉर्म ऑफ सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना. आई विश इट वर फ्राइडे. आई लिख देता है यार, विश इट वर फ्राइडे. अभी ध्यान दो, मैं इट के साथ वर का प्रयोग कर रहा हूं, वाई के साथ भी वर का प्रयोग कर रहा हूं. जब मैं नरेशन पढ़ाऊ ना तो मुझसे पूछ लेना, अगर मैंने क्लास में आपको नहीं बताया तो प्लीज आस्क मी व्हाइल आई टीच यू नरेशन ना, प्लीज आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर कहीं पे नॉर्मली टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है आई के साथ वॉज का प्रयोग हुआ है और इट के साथ भी सिंगुलर का होता है, तो इस केस में आपने इसका यूज क्यों किया था, क्योंकि वहां पे इसका रिलेशन है, ठीक है ना. अभी क्लियर है सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? ये चार्ट बना लिया आप सबने, मैं इसको मिटा दूं. अपना पहला टॉपिक डालें प्रेजेंट लाइकली या सॉरी उससे पहले आप लिख लीजिए, ये चार्ट जो बनाया ना आपने उसके नीचे आप लिख लीजिए, these are three types of conditional clauses. हम कंडीशनल क्लॉज पहले पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ उसका यूसेज कर रहे हैं. कंडीशनल क्लॉज का मूल शब्द जो होता है, मेन वर्ड, दैट इज कंडीशन. कंडीशन का मतलब है जब भी कंडीशन आएगा मतलब दो डिफरेंट पोल्स हैं, ठीक है. और नॉर्मली क्या होता है कि ये फुलफिल तभी होगा जब इसका प्रोसेस पूरा होगा, या ये फुलफिल तभी होगा जब इसका प्रोसेस पूरा होगा, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, उसे हम कंडीशन कहते हैं, ठीक है. दैट बेस वर्ड इज कंडीशन. तो हम कंडीशनल क्लॉजेस में, और क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट और
वर्ब हो, अब दो टाइप से होते हैं आपने पढ़े हुए हैं, एक होता है डिपेंडेंट, ठीक है, तो एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो अपने बेस पे खड़ा हो सकता है, डिपेंडेंट जिसको इंडिपेंडेंट की जरूरत होती है। जस्ट फॉर द रिवीजन आई हैव टोल्ड यू। नाउ फर्स्ट इज प्रेजेंट लाइकली, राइट डाउन अ सेंटेंस, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, लाइकली पॉजिटिव सेंटेंस है कि ये हो जाए। पहले एग्जांपल ही लिख ले सर। भाई लिखवा तो दिया, किसके साथ किसका यूज होगा, अभी क्या कराऊं और बताओ। हाँ प्रेजेंट लाइकली कंडीशन के साथ, बताऊं नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज हो, छोड़ दूं। देखो इसी, ये जो तुमने लिखा है, ये लिखा है ना, तो अभी देखो कि किस कंडीशन पे कौन सा कंडीशनल क्लॉज में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले सेंटेंस लिखो, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। अब यहां ध्यान दो इस सेंटेंस में, पहला हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में शैल या विल का यूज हुआ है, तो ये रहा मेरा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, यहां पे मेरा विल यूज हुआ है। सो ये मेरा सीक्वेंस यहां से पूरा हो गया, ठीक है ना। अब है कंडीशन, प्रेजेंट लाइकली कंडीशन। अब प्रेजेंट लाइकली कंडीशन इज अ कंडीशन वेयर इट विल हैपन, पॉजिटिवली इट विल हैपन। तो यस यू विल पास, पॉजिटिव दिखा रहे हैं, ठीक है। तो साथ में हमने कंडीशनल क्लॉज, यानी कि जिस कंडीशन पे, क्या कंडीशन है, अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो ये कंडीशन पे ही है कि तुम पास होगे, ठीक है। तो अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट देखना है, हमें देखना है कि हमारा जो ये कंडीशनल क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं। बिल्कुल है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। अब चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है और सिंपल प्रेजेंट में हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज है। तो ये हमारा क्लॉज भी है और ये क्लॉज हमारा कंडीशनल क्लॉज के इस थ्योरम को पूरा करता है। अभी क्लियर है सबको ये बात, ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए। नहीं नहीं, ऊपर वाला मिटा दे रहा बेटा, कंफ्यूजन ना हो, एक सेकंड। आप सबने, हाँ सर, यू विल पास, दूसरा लिखिए एग्जाम्पल सेंटेंस दे रहा हूं, उसमें जरा इसी को निकालिएगा। इफ ही रन्स, इफ ही रन्स कॉमा ही विल गेट हियर सून, ही विल गेट हियर सून। इसमें हमारा कंडीशनल क्लॉज क्या है सर? he will get here soon, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज सर। करेक्ट, वेरी गुड। और he runs हो गया आपका कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। तो हमने अपने रूल पे इसको लगाया कि हमारा कंडीशनल क्लॉज में जो हमारा लगना था वो भी लगा दिया, मेन क्लॉज में जो हमारा यूसेज होना था वो भी लगा दिया, और हमने ये देखा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज हुआ है, प्लस ये सेंटेंस जो है ये हमें लाइकली प्रेजेंट दिखा रहा है, ठीक है ना, मतलब या प्रेजेंट लाइकली दिखा रहा है, ठीक है। नाउ जो हमारा दूसरा सेगमेंट था, दूसरे सेगमेंट में हमने क्या किया था, प्रेजेंट अनलाइकली, जस्ट ऑपोजिट ऑफ जो हमने पहले किया था। लेकिन प्रेजेंट अनलाइकली में हमने सब्जंक्टिव मूड का यूज किया है। अभी आपको पता है सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, हमने लिख लिया है, ठीक है। और हमने अपने प्रिंसिपल क्लॉज में शुड का और वुड का यूज करना है, तो हमारे ये तीनों भी यहाँ पे पूरे होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ये एग्जाम्पल लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर रिच,
ठीक है ना, कॉमा आई वुड हेल्प यू, ठीक है, या सिंपली विशेस शी शी वर अ क्वीन, ठीक है ना। मैं आपको ये वर ना बस थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं, हम जनरली वर का यूज करते हैं जब हमें एक बहुत ही एक्सटेंसिव इमेजिनेशन का यूसेज करते हैं किसी सेंटेंस में। ये अमूमन इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिर्फ इन्हीं सब जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं तो कभी कभार आपके पेपर्स में अगर कभी आपने डिस्क्रिप्टिव लिखा होगा तो उसमें आएगा इफ आई वर अ प्रेसिडेंट या इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हम अमूमन इसका इस्तेमाल नॉर्मल बोलचाल में नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मल बोलचाल में वी स्टिक टू टेंसेस, ठीक है, बट मैं इसको और एक्सटेंसिवली आपको समझाऊंगा। अब आप देखिए हमने क्या किया है, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, तो हम वहां देख लेंगे कि हमने अपने प्रिंसिपल क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में हमने वुड का प्रयोग किया है, वी हैव यूज्ड वुड, फाइन। नाउ यहां पे मूड क्या दिखा रहा है, ऑब्वियसली रिचनेस इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, रिच अभी रिच तो है नहीं, ठीक है, नहीं, नहीं, वो तो मना रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता, अब अनलाइकली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज सो एक्सटेंसिवली हाइपोथेटिकल, ठीक है। देखिए ये जनरली सेंटेंसेस हम मजबूरी में कहते हैं कि यार मेरे पास पैसा होता ना तो मैं इन सब में बांट देता, नाउ समथिंग विच इज अनलाइकली टू हैपन, फाइन, एंड देन यू से समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो देन इट बिकम्स इन प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट अनलाइकली, ठीक है, अभी बांट देता अगर पैसा होता तो, दैट इज नॉट देयर, मूड इज हाइपोथेटिकल, ठीक है, सॉरी हाइपोथेटिकल, ठीक है, और तब हमने यूज किया है वुड का। सिंपली विशेस शी वर अ क्वीन, सेम समथिंग विच इज अनलाइकली टू हैपन, अनरियल, या समथिंग विच इज अनरियल, वी जस्ट लव टू बी इन दैट इमेजिनेशन, हमें पसंद है वैसा सोचना, ठीक है ना। सो सब्जंक्टिव मूड जो है ना वो जनरली आप देखोगे कि उन पोइट्रीज में यूज किया गया है जिन पोइट्रीज में सोशल लाइफ की बात की गई है, कि जहां पे सामाजिक रूप से बहुत यातनाएं लोग झेल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां पे लाइफ कैसी होती। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग के स्कूल में इंग्लिश की किताब होती थी कि नहीं 11th 12th या 10th में, ठीक है, अगर आपके यहाँ होती होगी और आप पढ़ते होंगे उस लैंग्वेज को तो उसमें बहुत सारी पोइट्रीज आपने पढ़ी होगी। अब चूंकि मैंने बहुत हिंदी पोएट्स नहीं पढ़े हैं जिन्होंने ये सारा चीज लिखा है तो मुझे बहुत पता नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद पढ़ा है वो राइटर, तो प्रेमचंद बहुत रियलिस्टिक लिखते थे, वो इसमें बात नहीं करते, वो बिल्कुल इस मोड में बात नहीं करते थे, ना ही हरिवंश राय बच्चन करते थे, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है इनको, बाकियों को सिर्फ इन्हीं दो तीन को पढ़ा है, बट इंग्लिश राइटर्स इसका बहुत यूज करते हैं, ठीक है ना। सिंपली विशेस शी वर अ क्वीन, अब यहाँ पे हमने चूंकि इसके मोड में विश आता है तो अगर हम ये ना यूज करके सीधा यही विश कर दे, यही लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, क्योंकि हम उसके बाद हमने लिखा है ऑलरेडी कि या तो उनका प्रयोग कर सकते हैं या रिग्रेट का प्रयोग कर सकते हैं या विश का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और सेंटेंस लिख लीजिए, इफ आई न्यू हर एड्रेस, इफ आई न्यू हर एड्रेस कॉमा आई वुड सेंड हर फ्लावर्स, आई वुड सेंड हर फ्लावर्स, इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड सेंड हर फ्लावर्स, आई वुड सेंड हर फ्लावर्स, फुल स्टॉप। अब इसमें निकाल लीजिए वो जो अभी हमने पढ़ा है अनलाइकली, आई वुड सेंड हर फ्लावर, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज सर, ठीक है, और आई न्यू हर एड्रेस ये एक इमेजिनेशन है सर जो हो नहीं सकता, जो हमको पता है एग्जैक्टली है नहीं,
करेक्ट करेक्ट. देवघर में सबको समझ में आ रहा है आप दोनों को? बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? नो सर. ठीक है, अब हम आते हैं इसके तीसरे पोर्शन पे. तीसरा पोर्शन है हमारा पास्ट कंडीशन. ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, वी डोंट हैव टू नो एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. चूंकि पास्ट है तो इट विल टेक पास्ट परफेक्ट. ठीक है ना, और इसके मेन क्लॉज में वही शुड वुड जितना भी पास्ट फॉर्म ऑफ मोडल्स आता है यूसेज में वो करते हैं हम. ठीक है, सो लिखिए इफ 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 मुकेश हैड रिटन द लेटर, इफ मुकेश हैड रिटन द लेटर कॉमा he would have got reply yesterday. If Mukesh had written the letter, comma, he would have got the reply yesterday. अब ये कुछ नया नहीं है, ये सेंटेंस आप लिख लीजिए, मैं आपको बस याद दिला दूं ये क्या है. ठीक है, अगर आपको याद आ जाए तो बेहतर है. सर ये भी वही है एडवर्ब ऑफ कंडीशन वाला. हाँ नहीं नहीं वो याद नहीं दिलाना, वो तो ऑब्वियसली पता लग गया. अब याद करो जब आप लोगों ने मोडल्स का टेबल बनाया था, जो मैंने एक टेबल बनवाया था आप लोगों से, उसमें वुड की कैटेगरी में मैंने आपको कंडीशन भी लिखवाया था, कंडीशनल. अगर आप मोडल्स के टेबल को जाके देखोगे तो उसमें वुड शुड ये सब मैं कंडीशनल किसी में लिखवाया था. सो ये कंडीशन ही तो है. चूंकि पास्ट फॉर्म में था, हमने कहा था कि ये सारे पास्ट फॉर्म में यूज होते हैं, तो हमने पास्ट फॉर्म में यूज किया है. तो ये वही रूल है जो सिर्फ यहां पे, इसमें सिर्फ एक चीज नया सीखा है आपने कि ये एडवर्ब क्लॉज का हिस्सा है, बाकी रेस्ट यू हैव ऑलरेडी डन इट. ठीक है, पीछे कि इफ मुकेश हैड रिटन द लेटर. नाउ व्हाट इज इफ, इफ लग गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. ठीक है ना, और यहां से हमारा ही वुड हैव गॉट द रिप्लाई यस्टरडे. यस्टरडे शोज अगेन पास्ट. ठीक है, वुड शोज यू पास्ट. ठीक है, एंड इट ऑल्सो ये सेंटेंस आपको कंडीशन दिखा रहा है. ठीक है, तो हमने सारा कुछ वही यूज किया है. पास्ट परफेक्ट, ये रहा पास्ट परफेक्ट आपका. दैट मींस ये सारी चीजें जितने हमने सोची थी वो सारा यूसेज किया है. किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, जो भी रूल हमने लिखा उस रूल पे हमने इसको लिख लिया है. ठीक है ना, एक और सेंटेंस लिख लीजिए. सर एक क्वेश्चन था. बोलो सर. अब अभी प्रेजेंट अनलाइकली में एक सेंटेंस है. धीरे एकदम धीरे बोलो, मेरे को एकदम सर फटेगा, तेज मत बोलोगे. बोलो सर. अब प्रेजेंट अनलाइकली में लिखवाए थे ना, इफ आई न्यू हर एड्रेस तो वो पास्ट हो गया ना. क्या, इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड सेंड फ्लावर्स, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ ना. किसका सेंटेंस बना, फिर से बोलो. इफ आई न्यू हर एड्रेस, इफ आई न्यू हर एड्रेस, हाँ तो आई वुड सेंड हर फ्लावर्स. हाँ तो प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन में कैसे हुआ सर, आप पास्ट टेंस का सेंटेंस बना. आधा ही पढ़ती हो. नहीं सर, उसके आगे का कंडीशन नहीं दिखा तुमको, मैंने प्रेजेंट लाइकली कंडीशन लिखा है. हाँ सर. हाँ तो अगर एड्रेस होता मेरे पास अभी तो मैं उसको भेजता ना, अभी भेजता ना, पास्ट में थोड़ी ना भेज देता. मैंने लिखाया कि इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड हैव सेंट हर द, वो मेरा कंडीशन भी उसी फॉर्मेट पे आना चाहिए ना. मेरा कंडीशन तो विल लगा है, विल मतलब नियर फ्यूचर, या तो प्रेजेंट या नियर फ्यूचर. फिर जब हम लोग मोडल्स पढ़ रहे थे तब आप क्या कर रही थी,
हाँ, मैं बार बार एक चीज बोलता रहता हूँ कि जब भी कोई चीज पढ़ा रहा हूँ उसका आगे कोई रिलेशन है। सर, अरे सर मत बोलो, सीधा सवाल पूछो। सिंपी सिंपी विशेस दी वर ए क्वीन, ये एग्जांपल प्रेजेंट अनलाइकली का है ना सर, तो आप वहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज में सिर्फ सूट और उट का यूज दिए है, तो वर का दिए ही नहीं है। इफ क्या है फिर से बोलो। सिंपी विशेस दी वर अ क्वीन, हाँ सिंपी विशेस शी वर अ क्वीन, हाँ तो इसमें सूट और उट का यूज का हुआ सर, तो ये प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन कैसे हो गया? अरे भगवान, वैसे तो मेरा बोलने में बहुत ज्यादा मन है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं तुमको क्या बोलूं, बार बार कहता हूँ पूरा ही देखा करो, आधा अधूरा मत सुना करो तुम लोग। मैंने क्या लिखा था उस रूल का पहला फॉर्मेट में, क्या लिखा है मैंने, प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन, उसके बाद मैंने एक स्लैश डाला है, या तो उसका यूज होगा या तो इसका यूज होगा या इसका यूज होगा, किया है? हाँ, अरे किया है ना। हाँ सर, और मैंने वर का यूज किया है यहाँ पे, जब विश के साथ इस वर को लगा रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन, अब इसको डीकोड करो, इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज हो। तो इतना इंग्लिश पढ़ लिया है और उसके बाद भी तुम लोग इस चीज को नहीं ध्यान दे पा रहे। बोलो सेंटेंस, बोलो फटाफट। सिंपी विशेस शी वर अ क्वीन, शी वर अ क्वीन, ठीक यही है ना। हाँ चलो वर हटा देते हैं, यहाँ वुड भी लिख देते हैं अभी, ठीक है? ठीक है। हाँ? हाँ। अभी अभी ये शब्द पढ़ाया था, हाँ या ना, मैं जल्दी जल्दी बोलो, ये वर्ड पढ़ाया, सुना है या पहली बार सुन रही हो? यस सर। तो यहाँ पे जब ये नहीं लिखा हुआ रहता है तो यहाँ क्या मतलब होता है इसका, What is the implicative form of were here? मैं मंद बुद्धि तो हूं नहीं कि मैं खुद ही लिखा रहा हूं तो मैं should और would उसकी जगह ये use करा रहा हूं, थोड़ी अकल भी तो लगाओ कि अगर वहां पे वो direct form में नहीं है तो implicative form में होगा ही होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। लिख लिया। अभी इसके अलावा दो और चीज लिखिए, लिखिए कंडीशनल क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड, कंडीशनल ये इसी का पोर्शन है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का ही हमारा पोर्शन है। हमने पॉइंट ए में लिखा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेस और हमने उसको एक्सप्लेन किया था। अब इसका बी पोर्शन है, बी पोर्शन लिख लीजिए प्लीज, कंडीशनल क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड, कंडीशनल क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड With following connectives. Connective मतलब जो उन्हें जोड़ता है, ठीक है? Clauses are used with following. अभी जो लिखवा रहे हैं ना उस, अभी जो लिखवाऊंगा, following connectives. Following connectives. ठीक है ना? अब वो connectives कौन-कौन से हैं? लिख लीजिए। सबसे जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो है इफ कॉमा अनलेस, इफ कॉमा अनलेस कॉमा आई विश वुड दैट आई वुड कॉमा इफ ओनली कॉमा सपोज ऑन कंडीशन दैट ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं बाकी, इन केस
एक्सेट्रा, इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, हम सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं. अभी तक आपको जो बताया गया है कि आपका कनेक्टर का जो काम है वो या तो कंजंक्शन करता है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं. ठीक है ना, या तो कंजंक्शन करता है या रिलेटिव प्रोनाउन करता है. हाँ, कंजंक्शन तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि रिलेटिव कंजंक्शन वगैरह हम यूज कर पा रहे हैं. ठीक है ना, प्रोनाउन में जैसे आपका दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन की जब बात करते हैं, हु, विच, हुम, हुज, ठीक है, ये सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, इससे भी हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. सो नाउ दीज कनेक्टर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट कंडीशनल क्लॉजेस. ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल क्लॉजेस को जोड़ने के काम में आते हैं. लिखिए, इफ 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 शिवम, इफ शिवम कम्स बाय कार, इफ शिवम कम्स बाय कार, इफ शिवम कम्स बाय कार कॉमा, वी विल टेक हिम टू, वी विल टेक हिम टू द मॉल, द मॉल, वी विल टेक हिम टू द मॉल. ठीक है ना. दूसरा सेंटेंस लिखिए, इन केस, इन केस यू डोंट, क्रिएट न्यूसेंस, इन केस यू डोंट क्रिएट न्यूसेंस comma, you can live here. In case you don't create nuisance, you can stay here. ठीक है? You can live here. Live here. Sir, nuisance meaning, sir? Nuisance मतलब अगर आप परेशानी ना create करो, बदतमीजी ना करो, आप रह सकते. Okay, sir. ठीक है? ये रूल समझ में आ गया, इजी है. इसके बाद एक और रूल बचता है आपका, लिख लीजिए. समटाइम्स, समटाइम्स ये थर्ड रूल है, सी. हमने ए बी किया है, सी लिख लीजिए. समटाइम्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ इज ओमिटेड, इज omitted, is omitted in adverb clause, in adverb clause, sir, omitted in adverb ke baad, sir? clause. Ah, sometimes subordinate conjunction if, ye dekhiye board pe likha hai maine, is omitted, is omitted in adverb clause, in adverb clause of condition, adverb clause of condition. ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में, फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट में लिखिए, should, were, had, ब्रैकेट क्लोज्ड, are used instead, are used instead, मतलब उसके बदले, are used instead. एग्जाम्पल लिखो. अरे जिसका वर वाला क्वेश्चन था ना, वो देख लो अब आराम से. ठीक है,
अभी और ये रूल इसीलिए करा रहा हूं, लिखो were she intelligent comma she would not do it, were she intelligent she would not do it, were she intelligent she would not do it. दूसरा, should you work hard, comma you will pass. Should you work hard, comma you will pass. Should you work hard, comma you will pass. तीसरा, had I done it, comma had I done it, comma I would not have repented. Repented शब्द repent से बना है, पछतावा. I would not have repented. अब जरा ये तीनों सेंटेंस में ऊपर जो तीनों कंडीशन पढ़ा है, कौन सा सेंटेंस किस कंडीशन में आएगा बताओ फटाफट. पहला सेंटेंस है वर शी इंटेलिजेंट शी वुड नॉट डू इट. जिसने मुझसे वर पूछा था सिर्फ वही इसका जवाब दे दो. माइक पकड़ो बोलो. क्या क्लास के बाहर चली गई क्या? नहीं सर, बोला क्या? पूछा किसने था मुझसे ये वर वाला क्वेश्चन? किसने पूछा था बताइए? ये वर वाला क्वेश्चन किस कंडीशन में आया? तीन कंडीशन पढ़े ना आपने. प्रेजेंट अनलाइकली. अच्छा, अभी वर का मतलब समझ में आ गया? और कहाँ यूज होता है? अभी क्लियर है? यस सर. देवघर में ये शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये किस कंडीशन में है? ये पास कंडीशन में. नहीं, ध्यान दो, पास्ट कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. आप लोग रूल्स को देखो, पास्ट कंडीशन में. सर, तब ये प्रेजेंट लाइकली कंडीशन. वेरी गुड, प्रेजेंट लाइकली कंडीशन. तीसरा क्या है? हैड आई डन इट, ये कौन सा है? मधुपुर से कोई बताए. हैड आई डन इट आई वुड नॉट हैव रिपेंटेड. पास्ट कंडीशन है सर. करेक्ट. तो अभी किसी को कोई डाउट? हाँ, ये आपका क्लॉज एनालिसिस, क्लॉजेस, ये सारा कुछ खत्म हो गया है. ठीक है, डायरेक्टली वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन टैग्स. जब मैंने आपको मोडाल्स बताया था, तो मोडाल्स से पहले मैंने आपको, नहीं मोडाल्स में ही, मोडाल्स के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था कि आप एक शब्द का यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन. अब यही कॉन्ट्रैक्शन लीड्स यू टू क्वेश्चन टैग्स. ठीक है ना, यही कॉन्ट्रैक्शन आपको क्वेश्चन टैग्स तक लेके जाता है. तो उससे पहले मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन में बताया था कि जैसे डू नॉट, तो इसको आप छोटा करके कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज को और कम करना, हम इसे अपॉस्ट्रोफी, ये बोलते हैं अपोस्ट्रोफे. इस अपोस्ट्रोफे का यूज करके हम इसे छोटा कर देते हैं. नाउ वी विल सी कि ये यहां तक कैसे पहुंचता है, और ये सबसे सिंपल चीज है. अब इसमें बहुत सारा चीज है, दिस इज द बेसिक. ठीक है ना, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो, टॉपिक डालो, क्वेश्चन टैग्स. पहले टॉपिक
लिखिए, क्वेश्चन टैग्स आर नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन इन इटसेल्फ. क्वेश्चन टैग्स आर नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन इन इटसेल्फ. अब फटाफट लिखना, इधर वेट नहीं करूंगा मैं किसी के लिए. देयर दीज आर सॉरी दीज आर अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. दीज आर अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस attached with a statement. These are a form of questions attached with a statement, full stop. This acts as a confirmation to that of the statement. This acts as a confirmation to that of the statement. To that of the statement. Full stop. Statements, full stop. Next point. Question tags are also used. Question tags are also used in everyday life. In everyday life, conversations. In everyday life, conversations. In order to seek the attention. Seek the attention of the listener. ठीक है. अभी क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि क्वेश्चन टैग्स जो है अपने आप में क्वेश्चन नहीं होते पूरे. सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी, दे आर नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. दूसरा हमने पढ़ा कि वो एक फॉर्म होते हैं क्वेश्चन का जो एक स्टेटमेंट से अटैच होता है. दैट मींस कि एक स्टेटमेंट भी चाहिए हमको. तीसरा, यह हमें ये कंफर्म करता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो हमने क्वेश्चन टैग में यूज किया है. ठीक है ना. चौथा, हम एवरीडे लाइफ में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं. बताऊंगा कैसे. इसके बाद लिखिए पहले, अ क्वेश्चन टैग इज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. A question tag is a grammatical structure. Grammatical structure in which a declarative or an imperative. Or an imperative. ये जो सेंटेंसेस पढ़े थे ना, डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव वगैरह, और एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट इज टर्न्ड इनटू अ क्वेश्चन. मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अ क्वेश्चन टैग इज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन विच अ डिक्लेरेटिव और एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट इज टर्न्ड into a question by the addition of an interrogative fragment. Fragment का मतलब होता है बेटा टुकड़ा. ठीक है, fragment कहने का मतलब है कि किसी भी declarative यानी कि affirmative sentence को या किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को आप क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हो. तो क्वेश्चन फॉर्म क्या होता है? इंटेरोगेटिव. ठीक है ना, ये आपको पूरा स्टेटमेंट बता रहा है. ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल, सर क्या समझ नहीं आया बताओ सर? ये लास्ट वाला द क्वेश्चन टैग इज ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन विच डेक्ल
आप किसी भी अफर्मेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस को, ठीक है, किसी भी अफर्मेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में. और इसका नाम क्या है? क्वेश्चन टैग है ना. हाँ, तो ये क्वेश्चन ही बनाएगा ना. तो जो भी चीज क्वेश्चन है वो क्या होता है? इंटरोगेटिव होता है ना. हाँ, वो बनेगा कैसे? स्टेटमेंट से बन रहा है. और वो कौन सा स्टेटमेंट है जिससे बन रहे? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट से या इंपेरेटिव स्टेटमेंट से बन रहे, ठीक है ना. अभी हम उसी को देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसका दूसरा पोर्शन देख लो पहले, फिर लिखवा दूंगा. ये क्वेश्चन टैग ना दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं आपके पॉजिटिव, एक होते हैं आपके नेगेटिव, ठीक है ना. अब पॉजिटिव टैग्स, हम सिर्फ टैग्स की बात कर रहे हैं, हम पूरे स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. सो हमारे टैग्स, टैग्स स्टेटमेंट के बाद होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट लिखा कॉमा और यहाँ पे होगा टैग, ठीक है ना. अब चूंकि टैग एक क्वेश्चन फॉर्म में है तो आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा हमेशा. तो ये जो टैग होगा ना, जो भी एक्स वाई जेड आप लिखेंगे, ये दो तरीके से होता है. ये या तो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा या ये नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना. दो तरीका होता है. तो आप लिखिए टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स, ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स, ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स. बी वाले में सर नेगेटिव क्वेश्चन टैग लिखिए ना. अरे क्या हो गया, तुम अलग कहां जा रहे हो? मैं कह रहा हूं अभी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लिखो ना, पहले उसका डेफिनेशन लिखवाऊं. लिखो, दीज टैग्स आर सेट टू बी पॉजिटिव, दीज टैग्स आर सेट टू बी पॉजिटिव इफ इट इज अटैच्ड, इफ इट इज अटैच्ड to a negative statement, if it is attached to a negative statement. Full stop. जब मैंने modals पढ़ाया था ना, तो मैंने ये चीज explain की थी कि जब भी आपको tag के form में positive लगाना है, आपका statement हमेशा negative होगा. और जब आपको टैग के तौर पे नेगेटिव लगाना है, तो आपको उसके आगे का स्टेटमेंट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. क्योंकि हम पहले ये पढ़ रहे हैं पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. तो आप देखिए, अगर मैं ये कहता हूं यू आर शाहिरा, ये मेरा स्टेटमेंट है. ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है? भाई किसके पास है, बोलो फटाफट. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है? अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ यू आर शाहिरा, पॉजिटिव है जी. तो पॉजिटिव है, तो हमने क्या बोला कि हमारा क्वेश्चन टैग किस फॉर्म में होगा? नेगेटिव फॉर्म में होगा हमेशा. हाँ, तो हम उससे पूछेंगे. अब चूंकि यहाँ यू लगाया है, ठीक है ना, तो हम यू के साथ आर लगता है और कॉन्ट्रैक्शन, मैंने आपको बोला था ना कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग करेंगे. तो आर नॉट को हमने आरेंट लिखा, आरेंट यू. अब ये देखिए aren't you, not लगा ना, not is negative. तो हमारा ये जो question tag है ये किस form में आया? Negative form में. Negative में आ गया और वो positive में रह गया सर. जी, अब हम अपने definition जितने भी हमने लिखे हैं उसको एक एक करके verify कर लेते हैं, ठीक है, कि question tag अपने आप में पूरा question तो है नहीं. aren't you पूरा question तो है नहीं, पहला चीज. नहीं, ठीक है ना. ये एक्चुअली अटैच किए जाते हैं इन स्टेटमेंट के साथ, जो हमने देखा स्टेटमेंट के साथ अटैच किए गए, ठीक है. और ये हमें सिर्फ कंफर्मेशन देते हैं. अगर इसका जवाब आएगा तो यस या नो आएगा, तो वो हमें सिर्फ कंफर्म कर रहा है. तीसरी चीज हमने कर ली. हमने चौथा पढ़ा इसमें कि हमारा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, वो भी पूरा हो गया. हमने ये पढ़ा कि इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग करेंगे, हमने वो भी पूरा कर लिया. अब ये जो हमारा सेंटेंस है यू आर शाहिरा, ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. हम कोई भी अफर्मेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस को ही क्वेश्चन टैग में बदलते हैं. तो यू आर शाहिरा किसी के ऊपर कमांड, रिक्वेस्ट ये सब तो नहीं कर रहा है, सिर्फ पूछ रहा है. तो इट इज एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट. सो मेरे ख्याल से जितने भी अमूमन हमने अभी लिखे हैं चीजें, इसे हटा दीजिए अभी, वो सारी चीजें हमें यहाँ से प्रूव हो गई. किसी को कुछ अभी पूछना है जो अभी हमने प्रूव किया उसमें? नेगेटिव वाला मत पूछना अभी.
इसमें किसी को कुछ नहीं पूछना है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. मैं इसके ऊपर अभी एक दो एग्जाम्पल और लिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. दूसरा एग्जाम्पल लिखिए सर, इसको लिख लेते ना. हाँ प्लीज लिखिए ये वाला एग्जाम्पल, लिख लीजिए प्लीज. दूसरा सेंटेंस, भावेश इज नॉट वर्किंग. भावेश हाँ ठीक है, भावेश इज वर्किंग, सॉरी नॉट वर्किंग नहीं, अभी वो किया नहीं, भावेश इज वर्किंग. भावेश इज वर्किंग कॉमा Isn't he? Isn't he? ये मैंने शायद आपको सब कुछ सही लिखा है, ये गलत लिखा दिया. इसका हेडिंग जो है वो पॉजिटिव नहीं, उसका हेडिंग होगा नेगेटिव. नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ये जो इधर वाला किया है नेगेटिव, ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, सॉरी माय मिस्टेक, ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, ठीक है ना. जो भी आपने लिखा इसका पॉजिटिव काट के बस नेगेटिव कर दो, बाकी सब वही है. नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नॉट लिखवाया है पहले वाले सेंटेंस में, क्या लिखवाया था पहले सेंटेंस में मैंने, प्लीज बताओ. यू आर, एक सेकेंड हल्ला नहीं करो यार, बोलो. हाँ बोलो अंकित. These tags are said to be positive if the attached. नहीं नहीं नहीं, वो सब सही है, वो सब सही है. वो एक्चुअली वो डेफिनेशन पॉजिटिव टैग का ही है, वो डेफिनेशन मत काटना, वो उस पे पॉजिटिव टैग ही है. मैंने पहला एग्जांपल क्या लिखवाया था, पहला एग्जांपल यू आर साहिरा aren't you, यू आर साहिरा, उसे यू आर, हाँ aren't you, You are not कर लो, You are not साहिरा, You are not साहिरा, बस not लगा दो और aren't का are you कर लो, are you, बस that is it. और कुछ change नहीं करना, सब कुछ वही है, कोई कुछ मत काटो, सिर्फ यहाँ not लगा लेना. तो सर इस बार तो आगे वाला negative form हो जाएगा ना? नहीं नहीं, पहले काट, पहले उतना करो ना जो मैं बोल रहा हूँ. You are not शाहिरा कर दो, not लगा दो, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है. आपने question tag, अब मेरे को बस verify कर दो, आपने positive question tag में definition लिखा है, tags are said to be positive if it is attached to a negative statement. यही लिखा है आप लोगों ने? हाँ सर. ठीक है, so आपका sentence, आपका जो statement होगा वो negative होगा, जब भी आपका, यही मैंने आपको बताया कि जब आपका statement negative होगा तो आपका ये positive होगा, ठीक है. तो जब क्वेश्चन टैग को हम पॉजिटिव बोलते हैं, जिसकी आपने पहले डेफिनेशन लिखी, तो उसके लिए स्टेटमेंट आपका क्या होना जरूरी है, नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है. और इसी का जस्ट उल्टा होगा जब आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग लिखेंगे. नेगेटिव क्वेश्चन टैग में इसी शाहिरा को मैंने क्या लिखा था, यू आर शाहिरा, तो यहां पर क्या लिखा था, aren't you. अब aren't you is here, ये मेरा नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, तो उसके लिए मेरा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा. अभी ठीक है, अभी क्लियर है जो अभी आपने लिखा? नहीं सर, कंफ्यूज हो गया सर, पूरा एकदम टोटली कंफ्यूज. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से करा दे रहा हूं सर. डेफिनेशन वगैरह सब सेम है, ठीक है, किसी चीज में कोई, एक मिनट यार चुप रहो, अब जब मैं बोल रहा हूँ चुप रहो, बकबक मत करो.
सर बोल के क्या करूं, सारा डेफिनेशन सब सेम है, मैंने आपको कराया दो टाइप्स, वापस आओ इस पे, बाकी सब भूल जाओ। मैंने आपको कराया, पहला टाइप है आपका पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा मैंने आपको कराया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर है। अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग तब बनेगा जब आपका स्टेटमेंट, मैंने कहा आपका स्टेटमेंट या तो डिक्लेरेटिव होगा या आपका स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा क्या था, अफर्मेटिव, और दूसरा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है ना। हाँ, तो ये सिर्फ इसके लिए लागू नहीं होता है, ये दोनों के लिए लागू होता है। ये क्वेश्चन टैग का डेफिनेशन है, ठीक है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। यहां देख लो, फिर यार तुम बात कर रहे हो, अभी बंद कर दूंगा समझाना मैं, यहां ध्यान दो। पॉजिटिव टैग्स में आपका टैग पॉजिटिव होगा, दैट मींस जब मैंने शाहिरा का लिखवाया था तो अगर मैं अपना टैग, ये मेरा टैग है, टैग में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये है कि नहीं पॉजिटिव, यस नो बोलते चलो। हाँ सर। तो ये तब पॉजिटिव होगा जब मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। हाँ, स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए, तो अगर मेरे को लिखना होगा यू आर नॉट शाहिरा, अभी समझ में आया। जब भी आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, लेकिन आपका स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव होगा उसमें। लेकिन जब आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग बोलेंगी तो आपका टैग नेगेटिव होना चाहिए, जो मैंने लिखा aren't you क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसके आगे का स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा, यानी कि यू आर शाहिरा। अब जब मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रहा हूं यू आर शाहिरा, तो मैं आगे क्या यूज कर रहा हूं, नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज कर रहा हूं, और जब मैं नेगेटिव स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो उसके आगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज कर रहा हूं। अभी क्लियर है? हाँ सर, अब क्लियर है। हाँ, अब हाँ, ध्यान दीजिए, ये दोनों चीज जो है आपका, यू आर नॉट शाहिरा आर यू, एंड यू आर शाहिरा aren't you, ठीक है ना, दिस पोर्शन, दिस सेगमेंट जो आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ टैग्स पे जाना, जब भी आपका टैग पॉजिटिव रहे तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, जिसकी डेफिनेशन अभी आपने लिखी है, नेगेटिव पे आप पहुंचे ही नहीं है। तो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने एग्जांपल गलत लिखा दिया था आपको, मुझे लिखवाना चाहिए था यू आर नॉट शाहिरा कॉमा आर यू, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, हमने नेगेटिव पढ़ा नहीं था, तो मैंने आपको शायद एग्जांपल ये लिखवा दिया था, ठीक है, नेगेटिव लिखवा दिया था वहां पे, गलती लिखवा दिया था ना मैंने, अब उसको सही कर लीजिए। अब वापस से रिपीट करते हैं हम लोग, टाइप्स में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स आर सेट टू बी पॉजिटिव, अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स आर सेट टू बी पॉजिटिव, ठीक है, इफ इफ इट टेक्स द स्टेटमेंट इन नेगेटिव फॉर्म, ये लिखा है ना, इफ इट इज अटैच्ड टू अ नेगेटिव सेंटेंस। अभी क्लियर है आपका डेफिनेशन? आप अभी तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लिखेंगे, आप लोग आ जाइए नेगेटिव इस पे, नेगेटिव क्वेश्चन टैग पे, बस यही चीज ध्यान में रखना है कि जब भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगा ना, आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्लीज लिखिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग। These tags are said to be negative. These tags are said to be negative if they are attached to a positive statement. और फिर ये example लिख लीजिएगा please.
नोट करके ये लिख लीजिएगा, वही चीज है शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया हूं ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा टैग नेगेटिव हो जाएगा, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये नेगेटिव टैग है तो आप इसे बोलेंगे नेगेटिव क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ठीक है। और इसे आप कहेंगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। प्लीज इसको लिख लीजिए ताकि आपको जहन में, जब भी याद करना हो बस इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। ठीक है, लिखे नहीं थे, सॉरी सॉरी मैं लिख देता हूँ, लिख लेंगे सर। ये स्टेटमेंट ऊपर पॉजिटिव लिख लीजिएगा, सॉरी स्टेटमेंट इधर नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव टैग कर लीजिएगा, टैग पॉजिटिव या पॉजिटिव टैग, इधर ये नेगेटिव है तो नहीं यार उल्टा लिख दिया मैंने, फिर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग, ठीक है ना, ये सही लिखो। और इसके आगे लिख लेना, चूंकि ये नेगेटिव टैग है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ये पॉजिटिव टैग है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। हाँ हो गया सर। अब ना इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ मतलब 8-10 रूल्स हैं जिसको पढ़ना है आपको। सर हेडिंग डाल दे रूल्स। हाँ हाँ प्लीज डाल दीजिए। से पहला रूल लिखिए, छोटे छोटे रूल्स है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है ये सब। सबसे पहला है लिखिए क्वेश्चन टैग ये सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, लिख लीजिए क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। अब आप देखिए इसी एग्जाम्पल को देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन टैग तो कॉमा के बाद आने वाला है। हाँ सर। ठीक है, और कॉमा के बाद हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन टैग नाउन जब तक नहीं होगा या प्रॉपर नाउन तब तक हम कैपिटल लिखते नहीं, ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, आरेंट यू, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव था, ठीक है ना, इसलिए। तो ये आप देखिए कैपिटल लेटर से तो आपका क्वेश्चन टैग शुरू नहीं हुआ है, तो हमारा पहला रूल जस्टिफाइड है, हम इसी को लेके अपने बाकी रूल्स भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। सेकंड रूल लिखिए इसका, सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अ नाउन, कैन नेवर बी अ नाउन, कैन नेवर बी अ नाउन, फुल स्टॉप। It is always a pronoun. It is always a pronoun. Subject of a tag can never be a noun. Full stop. It is always a pronoun. Always a pronoun. देखिए question tag का आपका subject यहाँ पे है you, और pronoun का table आपने पढ़ा है I, you, we, he, she, it, they, ये सब आएगा, ठीक है ना। इसी को दूसरे रूल में कोई दिक्कत, सेकंड रूल में। थर्ड रूल लिखिए,
क्योंकि आपने ऑक्सिलरीज पढ़े हुए हैं तो ये रूल उसी पे है. द ऑक्सिलरी दैट इज यूज्ड द ऑक्सिलरी दैट इज टू बी यूज्ड द ऑक्सिलरी दैट इज टू बी यूज्ड in the formation of tag the auxiliary that is to be used in the formation of tag must be in the contracted form. Ye condition hai iska, contracted form, must be in the contracted form. Ye raha aapka contracted form. आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे. आर नॉट यू, कभी भी नहीं, क्योंकि आपका रूल है. ठीक है, मस्ट बी इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, फुल स्टॉप. लिखिए, दिस होल्ड्स HOLDS गुड ओनली इन द केस ऑफ, दिस होल्ड्स गुड ओनली इन द केस ऑफ negative tag. This holds good only in the case of negative tags. अब इसका simply मतलब ये है, किसी को इसका मतलब समझ में आ गया? Second line का आ गया तो समझा दो. This holds good only in the case of negative tag. क्या मतलब हुआ इसका? साइमा बोलो, आया समझ में? एबसेंट है सर. हाँ, एबसेंट है. क्या एबसेंट है? साइमा एबसेंट है सर. साइमा एबसेंट है आज? हाँ सर. क्या हो गया? आजकल मैं देख रहा हूँ दो तीन क्लास से नहीं आ रही, पीछे भी नहीं आई वो, फिर पेपर होने लगे इसके. चलो कोई बात नहीं. सिंपी आई है? सिंपी बता दो, नहीं तो ये सब जो छिपे छिपे रहते हैं, दीपाली, श्रुति और क्या क्या है, क्या नाम है इनका, सनोवर, ये शशांक, श्लोक, ये सब नहीं आ रहे हैं क्या? ये सब आते नहीं है? ये एक और बच्ची है कोई, निगार, ये सब आए हैं कि ये भी सब एब्सेंट है? बताइए इनमें से कोई. क्या सेकंड लाइन का मतलब समझ में आया? सेकंड लाइन का मतलब सिंपली आपको ये कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये तो सिर्फ आप नेगेटिव में यूज कर सकते हो ना, पॉजिटिव में तो जरूरत ही नहीं पड़ता ना, वो तो आर होता है या इज होता है, तो उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती. तो इसीलिए बोला है कि इट इज ओनली गुड इन नेगेटिव फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव में तो इसका यूसेज ही नहीं है. अभी समझ में आया क्या कह रहा है रूल का सेकेंड पोर्शन? यस सर. अब हम ये लिखना है तुमको, लिखवाऊं या मैं रूल में आगे बढ़ू देख लेना, पूछ लो मुझसे. डू नॉट को छोटा करके डोंट लिखते हैं, ये पूरा लिखवाऊं तो मैं लिखवा रहा हूं, तुम लिखो ठीक है ना? अगर नहीं तो मुझे बता दो, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखवा देता हूं जो तुमने सुने नहीं होंगे. यस सर, सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखवा दीजिए सर. ठीक है, या फिर कुछ ऐसा जो हम कम यूज करते हैं, जैसे हम ये यूज करते हैं ऑट टू, ठीक है ना? ऑट टू करते हैं ना, तो जब ऑट नॉट टू करेंगे या ऑट नॉट यूज करेंगे तो यह अमूमन इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए लिखवा रहा हूं. ऑटेंट, OUGHTN apostrophe S, ऑटेंट, ठीक है ना? बाकी सब तुम ऑलरेडी यूज करते ही हो. नीड नॉट को लिखवा देता हूं. नीडेंट, ठीक है ना? ये यूज नहीं करते आप, यूज्ड नॉट, ठीक है ना? तो यूज्डेंट ये लिख लो, ये नहीं यूज करते आप. ये लिख लीजिए. डेयर नॉट यूज नहीं करते आप,
D-A-R-E-N-O-T, dare not. Dare not को हम यूज करते हैं. Daren't. Dare not को हम यूज करते हैं. Daren't. ठीक है, बाकी has, have, had ये सब तो आप यूज करते हैं. Could, should ये सब, is, was, shall. ठीक है, इतने के बाद बस एक एक्सेप्शन लिख लो. लिखो एक्सेप्शन. ये लिखने के बाद ये पोर्शन थर्ड रूल में एक एक्सेप्शन लिखो. लिखो सर, ये सर लिख लिख. अच्छा अभी लिखा नहीं है, ठीक है ठीक है, लिख लो. एक्सेप्शन डाल के बस ये कर देना तो बता देना. देखिए, am I not sorry, am I not, उसके बाद लिखिए is not written as, is not written as, is not written as, ये नहीं लिखते हम. Is not written as amn't I. Is not written as amn't I. ठीक है. Is not written as amn't I. But it is written as aren't I. It is written as aren't I. हम amn't I नहीं लिखते. अगर am not I लिखा होगा ना तो उसको कन्वर्ट करके aren't I लिखते हैं. क्लियर है ये वाला रूल? भूलना नहीं, एक्सेप्शन है ये. ठीक है, अब नेक्स्ट रूल लिखे. इन केस ऑक्सिलरी इज नॉट देयर इन द स्टेटमेंट, in case auxiliary is not there in the statement, then, in case auxiliary is not there in the statement, then bracket kholiye likhiye do, does, did, then ke baad do, does, did, bracket close. Is used in the tag. Is used in the tag. Very, very important. Is used in the tag. Simple कह रहा है, अगर कोई भी auxiliary present ना हो तो आप अपने tag, जो भी tag form में बनाएंगे वो आप इसमें इस चीज का प्रयोग करेंगे उसमें. ठीक है, जैसे for example they went to park, full stop. अब इसमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, कुछ भी यूज नहीं हुआ. ठीक है, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? They went to park. पहली बात तो ये देखिए कि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है या नेगेटिव में. अगर पॉजिटिव में है तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे. ठीक है, अब चूंकि ये पास्ट में है तो हम पास्ट का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे
नेगेटिव में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, डिडेंट, यहां पे क्या लिखा है, दे, क्वेश्चन मार्क। अभी समझ में आ गया इस रूल में, कोई डाउट? बस आपको ध्यान रखना है इसी चीज का नोट फॉर्म में कि जो डज है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में, डू है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये पास्ट में यूज होता है, ठीक है, ये पास्ट में यूज होता है और ये हमेशा डिड अपने साथ वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, और डू और डज जो होते हैं ये हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और डू को हम लोग विल लगाकर फ्यूचर में यूज करते हैं, ठीक है। ये टेंसेस में आपने पढ़ा है, मैं सिर्फ आपको रिवीजन के लिए लिखवा दे रहा हूं, चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, याद रहेगा। लिख लिया, लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट रूल लिखिए, इफ, नेक्स्ट रूल, इफ द स्टेटमेंट हैज, इफ द स्टेटमेंट हैज एन इंट्रोडक्टरी, इफ द स्टेटमेंट हैज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इफ द स्टेटमेंट हैज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट विद इट देन, with it then the subject of the tag, then the subject of the tag becomes as follows or follows ke baad colon dal ke niche aise banaiye subject of the statement subject of the tag, ठीक है, this will convert into it, that will convert into it, these will convert into they, those will convert into they, ये दो उसके बाद ऊपर लिख दे रहा हूं, one will convert into one, ठीक है, ये लिख लिया होगा this, इसको मिटा दे रहा हूं, there will convert into there and इसके बाद it will remain it, so this is the chart, और ये तब होगा अगर आपके स्टेटमेंट में कोई इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दिया है, इफ द स्टेटमेंट हैज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इफ, ठीक है, जेन्युइनली नाम होता है या तो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल, This is my pen, ठीक है ना, तो अब आप जब चेंज करेंगे तो पहले तो यही सेंटेंस लिखेंगे, This is my pen, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है,
ठीक है, अब इज है तो इज का यहां पे क्या हो जाएगा, इजेंट, इज का हो जाएगा इजेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा टैग नेगेटिव बनेगा, और दिस कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा इट में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दिस जो होता है वो इट में कन्वर्ट होता है। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? हाँ लिख लिया सबने, नेक्स्ट रूल लिखिए, स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट्स दैट यूज द फॉलोइंग, स्टेटमेंट्स दैट यूज द फॉलोइंग, स्टेटमेंट्स दैट यूज द फॉलोइंग्स, फॉलोइंग्स आर कंसिडर्ड नेगेटिव, आर कंसिडर्ड negative and hence comma tag to these statements will be positive, tag to these statements will be positive, will be positives. अब वो कौन कौन से words हैं लिख लीजिए, barely, no, neither, nobody, no one, nothing, ठीक है, hardly, rarely, scarcely, etc. इन शब्द के साथ इनको हम लोग क्या मान के चलते हैं कि these are known as negative, इनको हम मान के चलते हैं कि ये negative है, तो जब भी हम कोई tag बनाते हैं कोई भी tag तो वो हमारा किस में रहेगा पॉजिटिव, इस रूल का ये मतलब होता है, ठीक है, कि हम मान के चलते हैं इन शब्दों का प्रयोग जहां हुआ है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये अगर लिखता हूं कि श्लोक हैज नथिंग, अब यहां पे मैंने नथिंग का प्रयोग किया है, ठीक है ना, नथिंग इस इन टर्म्स में आता है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये सेंटेंस मेरा नेगेटिव फॉर्म में है, क्योंकि रूल कहता है कि जहां पे इसका यूसेज है वो एक नेगेटिव फॉर्म में है, तो जब मैं कॉमा लगाकर इसका वो चेंज करूंगा, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये पॉजिटिव में रहे, ठीक है ना, तो मैं ये लगाया हूं श्लोक हैज नथिंग, हैज ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमारा टैग हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। I hope this is clear. किसी को कोई तकलीफ, मैं कोई और एग्जाम्पल दूं इसमें या इससे काम चल जाएगा आपका, कोई और एग्जाम्पल चाहिए किसी को? नहीं, ठीक, नेक्स्ट देखो, इफ द स्टेटमेंट हैज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव, इफ अ स्टेटमेंट हैज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव DEMONSTRATIVE demonstrative, if the statement has demonstrative or distributive adjectives,
डिमॉन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स विद इट विद इट डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स विद इट देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग then the subject of the tag will be chosen then the subject of the tag will be chosen as per the number comma gender as per the number kya ho raha hai ye aise karo tum log ab kal padhna theek hai mood nahi hai tumhara chalo bye